Reaction TV Urdu. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. ये वीडियो मैं रिएक्शन टीवी उर्दू के लिए बना रहा हूँ. जिया भाई मौलाना साहब काफ़ी मेहनत किए, बेचारे सुबह शाम रात दिन नहीं देखते हैं, मेहनत काफ़ी मेहनत किए हैं और उन्हीं की मेहनत नहीं, सारे सपोर्टर मेहनत किए और टोटल इन्वेस्टर कंपनी के साथ थे, कंपनी के सपोर्ट में थे. और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, चूँकि नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए सारे इन्वेस्टरों को, सारे सपोर्टरों को, सारे लाखों भाई लाखों बहनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हक की जीत हुई. आज हक की जीत हुई. जिस तरह से असाउद्दीन वैसी डॉक्टर नौहरा शेख आपा को फंसाया, कंपनी को बदनाम किया, उसके चेले चमचे जिस तरह से रातों दिन कंपनी को बदनाम करने में लगे थे, तो याद रखो ऐसी अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं. जिस तरह से तुम मुसलमानों को परेशान करते हो, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा के जेल के अंदर रखवाते हो, तो अल्लाह ताला के घर देर है अंधेर नहीं है. तुम्हारा भी हाथ बहुत बुरा होगा, वैसी सुन लो. ये सिर्फ मुसलमानों के पीछे जो है, चाहे बड़े लीडर हों, मुस्लिम बड़े लीडर हों या मुस्लिम बड़े बिजनेसमैन हों, ये उसके पीछे पड़ा रहता है और इसको हर जहाँ से जो है गुंडा टैक्स चाहिए या कोई पॉलिटिक्स में ना आने पाए इसके सामने, तो उसको फर्जी मुकदमा लगवा के जो है ये अंदर करवाता है. जैसे डॉक्टर नौहरा शेख आपा को जो 15 महीना से फर्जी मुकदमा में जेल के अंदर रखा, इस तरह से मेरे सामने कई उदाहरण हैं, कई केस हैं. हमारे ही बगल में गोरखपुर में डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको फर्जी मुकदमा लगवा के जेल में करवाया. राष्ट्रीय उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया. तो इस तरह के तमाम जो है उदाहरण है, ये वैसी जो मुसलमानों के पीछे लगा रहता है फर्जी मुकदमा लगवाने में और फर्जी तरीके से जेल के अंदर रखवाने में, तो वैसी सुन ले, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा. तो जो फर्जी मुकदमा लगवाता है ऊपर से हमदर्दी दिखाता है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा के जो अंदर करवाता है, ये बहुत बड़ा पापी, बहुत घटिया इंसान है. 5 साल की बच्ची डॉक्टर नौहरा शेख आपा की है और रात रात में वो उठकर रोती थी अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन 15 महीने से डॉक्टर नौहरा शेख आपा को जेल के अंदर रखा गया. डॉक्टर नौहरा शेख आपा की बूढ़ी माँ लाइन में लगकर बेचारी जेल में मिलने जाती थी और उसके बावजूद इसके जो चेला चम्मच थे कुछ ना कुछ अपनी कहानी रचा करते थे कि जो है जेल में मुलाकात नहीं करने देते थे. बहुत घटिया, बहुत निहायत घटिया इंसान है और ये बहरुपिया, ये वैसी जो है बहुत बड़ा बहरुपिया है. मैं हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि इसकी बातों में आप लोग ना आए. ये इस तरह का काम करता है कि जो है डॉक्टर नौहरा शेख आपा आपके सामने उदाहरण है. डॉक्टर नौहरा शेख आपा को 15 महीने से ये फर्जी तरीके से जेल के अंदर रखवाया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल दिखाता रहा हूं वहां पे. 10 साल से कंपनी के पीछे लगा हुआ था. इसी तरह अभी देख लीजिए, हाल ही में जो है लोकसभा के अंदर जो बिल फाड़ के जो है अपना हीरोगिरी दिखाया है, तो उसके रिएक्शन में सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए, लाखों मुसलमान रोड पे उतरे. मुसलमान भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि वैसी के बात में बिल्कुल ना आए. ये बहुत घटिया इंसान है, बहुत एक तरह से खाली लड़ाने का काम करता है. ये जितना घटिया इंसान है इसकी बात में नहीं आना चाहिए. याद रख वैसी, हिंदुस्तान की जनता जिस दिन जाग गई तो जैसे तू बिल फाड़ा था उसी तरह तुमको फाड़ के रख देगी.
तुम खाली आग लगाने का काम करते हैं हिंदुस्तान में, मुसलमानों को बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर तुम नहीं छोड़े हो। आज तुम्हारा चम्मच चमचे विदिल बलोअर से लेके खटमल मच्छर से लेके कोई नजर नहीं आ रहा है। 2 महीना पहले ही ये सब जो है अंडरग्राउंड हो गए। रोज बैठ के जो इन्वेस्टरों को बहकाते थे भड़काते थे, लेकिन 2 महीना से जो है इन सबों का कोई अता पता नहीं है। तुम लोग कहीं भी छिप लो, लेकिन तुम लोग बच नहीं पाओगे। तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। खोजवा के पिटवाऊंगा तुम लोगों को, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जिस तरह से तुम लोग परेशान किए, 20 लाख लोगों को परेशान करके रख के, 2 लाख इन्वेस्टर के पीछे उनकी फैमिली लेकर 20 लाख लोग परेशान हुए। डॉक्टर नौहेरा शेख आपा परेशान हुए, उनकी फैमिली परेशान हुई, उनकी छोटी मासूम बच्ची जो है माँ से जुदा हुई, 5 साल की बच्ची रात में उठ उठ के रोती थी अपनी अम्मी के लिए, लेकिन इन सबों को जरा भी जो है दया नहीं आई। तो तुम लोग सोच लो, कहीं भी छिप लो, तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे इन्वेस्टर भाइयों, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआएं बहुत बहुत काम आई। जिस तरह से आप लोग मेहनत किए, जो भी सपोर्टर है कंपनी के, जो भी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के फैमिली वाले सारे लोग जिस तरह से दुआ किए, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं नाम लूँगा तो नाम की लिस्ट बहुत लंबी होगी, इसलिए नाम मैं किसी का लेना नहीं चाह रहा हूँ। इस काम में सारे लोगों का योगदान रहा है, सारे लोगों का जो है शुक्रिया मैं एक बार फिर से अदा करता हूँ। और रिएक्शन टीवी उर्दू के मौलाना साहब जो रातों दिन पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। लेकिन आप लोग वैसी जैसे बहरुपिये के चक्कर में, वैसी जैसे दरिंदे के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा आप लोग। मैं हिंदुस्तान की जनता से एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि वैसी जैसे दरिंदे के चक्कर में एकदम न पड़िए, इसका बाइकाट करिए। ये इसको हर जगह से आप लोग बाइकाट करिए। और याद रख, वैसी जैसे तूने लोकसभा में बिल फाड़ा था, हिंदुस्तान की जनता जिस दिन जाग गई उस दिन तुमको भी फाड़ के रख देगी। ठीक है दोस्तों, मैं रखता हूँ, चूंकि बात लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज़।